हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम के 7 बजने वाले हैं, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। देश भर में आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। प्रदेश के मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है, जिसकी खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भव्य सजावट मंदिरों में की गई है और इसके साथ साथ भगवान की भी विशेष पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है। और ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। बीकानेर से सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जयपुर से महिमा जैन। महिमा, सबसे पहले आपका रुख करते हुए जरा बातचीत करिएगा किस तरीके का उत्साह, क्योंकि जैसे धीरे धीरे शाम हो रही है जो नजारा है वो और भी ज्यादा खूबसूरत होता चला जा रहा है। जन्माष्टमी के माहौल और हमें उत्साह पूरे दर्शकों को पूरे दिन भर दिखाया। और अब चूंकि कृष्ण जन्मोत्सव बहुत करीब आ चुका है, 12 बजने में है, मंदिरों में भीड़ और बढ़ने लगी है। भक्त दूर दराज से यहाँ आने लगे हैं और अब मैं मौजूद हूँ इस्कॉन टेम्पल और अक्षय पात्र में, जहाँ पर हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। और मैं आपको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। ये पर्व है खुशी का और आज सभी भक्त बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं हम भक्तों से भी बातचीत करेंगे। अब कृष्ण जन्मोत्सव का समय बेहद करीब है, आप देख सकते हैं। सर, कृष्ण जन्मोत्सव आप मनाने जा रहे हैं? यस, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं मंदिरों में भीड़ बहुत उमड़ने लगी है। मैडम से हम बातचीत करेंगे। मैम, कृष्ण जन्मोत्सव आप कुछ ही देर में होने जा रहा है, क्या तैयारियां है, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत अच्छी तैयारियां है, इतना सुंदर सजाया गया है, हम बहुत ज्यादा उत्सुक है इस चीज के लिए। आज क्या व्रत रखा आपने? हाँ। पूरे दिन भर कैसे व्रत रखा गया? पूरा निर्जला व्रत था और शाम को रात को 12 बजे खोलेंगे इस व्रत को। दर्शकों किसका भोग लगाने जा रही है आप? माखन बहुत प्रिय है, माखन के ही भोग लगाया जाएगा। देखिए आप देख सकती है प्रियंका, अब धीरे धीरे मंदिरों में भक्त जो है उनकी भीड़ जो है बढ़ने लगी है, क्योंकि अब 12 बजे है। कृष्ण जन्मोत्सव की सारी तैयारियां लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। श्री कृष्ण को माखन का भोग लगाया जाएगा और भी भक्तों से। देखिए माता जी यहाँ मौजूद है। कृष्ण जन्मोत्सव मना रही है आप? कृष्ण जन्मोत्सव आज पूरे दिन भर कैसे जन्माष्टमी का पर्व सेलिब्रेट किया? अब कृष्ण जन्मोत्सव आने वाला है, अभी शाम को करेंगे हम लोग, शाम को करेंगे। क्या तैयारियां है उसके लिए? मेरी बेटी डांस करेगी, आपको किस्त पर दादा बनकर, और हम लोग खाना बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। देखिए और भी यहाँ पे महिलाएं मौजूद है, उनसे हम जानकारी लेंगे। मैडम, आज कैसे सेलिब्रेट कर रही है पर्व? बहुत अच्छा। अब कैसे तैयारियां है रात 12 बजे की? अच्छी तैयारियां, मेरा बेटा यहाँ गा रहा है। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से चैंटिंग की जा रही है। सुबह से राधा कृष्ण के जो है जय जयकारों से पांडाल प्रांगण गुंजायमान है। हरे कृष्ण हरे राम के पांडाल जो है आज पूरे दिन भर हमें गुंजायमान दिखाई दिया। आप देख सकते हैं प्रियंका की कितनी भीड़ है। और आप और मैं लगातार सुबह से दर्शकों को बता रहे हैं कि आज हर जगह जन्माष्टमी के पर्व का उल्लास है, हर कोई बेहद खुश नजर आ रहा है। और अब जब श्री कृष्ण बिल्कुल तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से खासा उत्साह आज के दिन भक्तों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। और जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है उत्साह और भी ज्यादा डबल होता चला जा रहा है। कोटा से सहयोगी हिमांशु मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मनीष आपका रुख करते हुए तस्वीरें दिखाइए, कैसा उत्साह किस मंदिर में है सबसे पहले तो ये बताइएगा और बातचीत भी करिएगा लोगों से। मनीष, मनीष मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक
है, फिलहाल मनीष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको प्रदेश भर की तमाम तस्वीरें हमें दिखानी है कि किस तरीके से प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है, हर्ष का माहौल है और आज के दिन को बेहद खास तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। महिमा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, कुछ लोग नाचते गाते भी नजर आ रहे हैं, जरा उनके बीच जाइए और बातचीत करिए उनसे। देखिए, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भक्तिमय माहौल अब यहाँ बन चुका है पूरी तरह से। आपको तस्वीरों के जरिए भी मैं दिखाना चाहूंगी कि कैसे भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अलग अलग तरीके से भक्ति कर रहे हैं। नाच गान के साथ साथ जो है यहाँ पर चैंटिंग भी की जा रही है, जो कि आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो रही है। आप देख सकते हैं कैसे लोग हर्षोल्लास के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं, बाकायदा बैरिकेडिंग है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। अब चूंकि समय बहुत कम है तो ऐसे ही हमें भीड़ देखने को मिलेगी और रात 12 बजे तो एक अलग ही माहौल हमें देखने को मिलेगा, उसको भी हम दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पर पहले मैं आपसे बातचीत करवाना चाहूंगी, यहाँ जो भी भक्त हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, कैसे मना रही है जन्माष्टमी के पर्व को? कृष्ण जन्मोत्सव बेहद करीब है, आप कैसे मनाया आज पूरा दिन? बहुत अच्छा, अभिषेक पे वहाँ प्रोग्राम में ना हमने बैठे, वहाँ बहुत अच्छा लगा। वहाँ मैम से बातचीत करेंगे। मैम, कैसे सेलिब्रेट कर रही है जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव की क्या तैयारियाँ हैं? नाना जी को किसका भोग लगाने जा रही है? अभी तो कहाँ गया, माखन मिश्री जी। देखिए, माखन और मिश्री प्रियंका बहुत प्रिय है कान्हा जी को, तो आज उन्हीं का भोग लगेगा। मैम से बातचीत करेंगे। मैम, कान्हा को कैसे खुश करने वाली है भोग लगाकर? कान्हा को देखिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। बच्चियाँ भी मौजूद है, आप कैसे आज सेलिब्रेट कर रही है इस पर्व को? मंदिर आई है, मजा आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा किया आज पूरे दिन, बस रख किया, कुछ नहीं खाया, एंजॉय किया। मंदिर में आके कैसा महसूस हो रहा है? शांति फील हो रही है, लग रहा है श्री कृष्ण आने वाले हैं, आने वाले हैं। वेलकम की क्या तैयारी है उनके? वेलकम की क्या तैयारी है उनकी? वेलकम की खाना, मैं तो प्रसाद मनाया है, दही हांडी का प्रोग्राम किया है। जी 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 जी, देखिए प्रियंका, सबकी तैयारियां लगभग लगभग पूरी है। सबका कहना है कि हम अपने घर पर कृष्ण का जन्म करेंगे और उसके बाद उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएंगे और आज पूरे दिन भर में दही हांडी जैसी प्रतियोगिताएं, राधा कृष्ण लोग स्कूलों, बच्चे स्कूलों में बने और उनकी लीलाएं हमें देखने को मिली है। वही मंदिरों में भी राधा और कृष्ण की झांकी खासतौर पर आकर्षण का केंद्र भी बन रही है और आप देख सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ पर महाआरती भी होगी, इसीलिए भीड़ जो है अब ज्यादा हमें दिखाई देने लगी है। और भी भक्तों से हम बातचीत करेंगे। मैडम, 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा, कैसी क्या तैयारियां है उनके वेलकम को लेकर? बहुत तैयारियां कर रखी है हमने। क्या तैयारियां कर रखी है? भजन गाएंगे, डांस करेंगे, 12 बजे के बाद फिर भगवान को भोग लगाएंगे, साकार करेंगे। क्या भजन गाएंगे हमारे लिए श्री कृष्ण के लिए? मुझे अभी तक कोई याद नहीं है। जी 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 जी, देखिए प्रियंका, भक्ति का माहौल यहाँ है, लोग बहुत दूर दराज से यहाँ आ रहे हैं, लोकल ही नहीं बल्कि जयपुर के आसपास के इलाकों से भी इस मंदिर में लोग पहुँचते हैं, क्योंकि जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों में शुमार है ये अक्षय पात्र गोविंद देव जी। गोविंद देव जी में भी आज हमें सुबह से ही भक्तों का ऐसे ही तांता लगा हुआ दिखाई दिया और अब वहाँ पर भी ऐसी ही भीड़ होगी और हम तस्वीरों के जरिए भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हर मंदिर में अलग अलग जगह कैसे कैसे। महिमा, तस्वीरें जी दिखाते रही है क्योंकि कठिन व्रत भी कई लोगों ने किया हुआ, इसके बावजूद भी उत्साह कहीं से भी कम नहीं है, बड़े ही जोश में वहां पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं क्योंकि भीड़ हम काफी ज्यादा देख पा रहे हैं। महिमा, क्या खास इंतजाम किए गए हैं जिसके चलते जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे उन्हें भी दिक्कत ना होने पाए? बिल्कुल प्रियंका, देखिए मंदिर के चारों ओर प्रशासन का जाब्ता भी है, बाकायदा ट्रैफिक को जो है बदल दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है और मंदिर में बैरिकेडिंग इस तरीके से की गई है, जो जिस लाइन से एंटर करेगा उसी लाइन से वो वापस बाहर भी जाएगा, तो ऐसे में धक्का मुक्की का कोई माहौल यहाँ नहीं बना और करीब मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि इस बार 3 लाख भक्त मंदिर में पहुंचेंगे। तो ये जन्माष्टमी के पर्व पर और खासतौर पर G20 भी हो रहा है प्रियंका, तो इस वजह से दिल्ली भी बंद है, तो दिल्ली के लोग भी अब राजस्थान आ रहे हैं और श्री कृष्ण के मंदिरों का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में भी भीड़ बहुत ज्यादा है। 3 दिन का वीकेंड भी हो गया है, जन्माष्टमी का पर्व भी है, तो ऐसे में भीड़ दोगुनी
हो गई है। आप तस्वीरों के भी जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या भक्तों की भीड़ का आलम है। और आप देख अब लगातार ऐसे ही बैरिकेडिंग में से जो है भक्त पास ऑन होते रहेंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। हम भक्तों से भी बातचीत करेंगे। मैडम, श्री कृष्ण का जन्म होने में कुछ ही समय शेष है, क्या तैयारियां हैं उनके बारे में? बहुत सारी मन उत्सव है, बहुत कुछ करने का। कितना खास है ये पर्व आपके लिए? बहुत ज्यादा, बहुत मन, मतलब बहुत मन से उत्साह हो रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। क्या कुछ खास किया आज आपने पूरे दिन भर में? बस इनका नाम लिया, इनके सारे इनका ही मतलब व्रत रखा। बिल्कुल। और आप व्रत कैसे खोलने जाएंगे? रात को 12 बजे को स्नान करा के तैयार करा के। तो महिमा उत्साह काफी ज्यादा है, आपने तस्वीरें भी दिखाई, भव्य और खास तस्वीरें। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे समय और ज्यादा आगे बढ़ेगा उत्साह और भी ज्यादा बढ़ने वाला। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, तस्वीरें भी देखते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर जन जन के आराध्य मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर खुशहाली और समृद्धि की मिन्नौतियां मांग रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान का उपवास रखकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान मदन मोहन की 108 परिक्रमा कर पूजा अर्चना की और मिन्नतें मांगी। वहीं जयपुर में भी जन्माष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोविंद देव जी के मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। भगवान को मनमोहक पोशाक धारण करवाए जा रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। सूर्योदय से पहले भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था और अभी भी लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गोविंद देव मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और सुरक्षा में तकरीबन 1500 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। वहीं पहली बार जयपुर पुलिस ने प्रायोगिक तौर पर फेस रिकॉग्निशन सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं ताकि जयपुर के जितने भी बदमाश हैं, चोर हैं, वो सभी इस कैमरे में कैद हो सके। जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि इन फेस रिकॉग्निशन कैमरों में शहर के आदतन चेन स्नेचर, जेब तराश और हार्डकोर बदमाशों का डेटा अपलोड किया गया है ताकि भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कोई भी बदमाश मंदिर में प्रवेश करे तो उसकी पहचान कर ली जाए और पुलिस उसे धर दबोचे। तो जयपुर में आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर के सबसे प्रमुख श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर में आज लाखों भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। वहां साज सज्जा और रंगीन रोशनी के बीच भजन और नंद के आनंद भयो के जयकारों के साथ ही भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। पुलिस के साथ ही विश्व हिंदू परिषद और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी गोविंद देव मंदिर में दर्शन व्यवस्था संभालने में जुटे हुए हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फॉर